आप देखने वाले हैं दुनिया का सबसे रहस्यमय टॉपिक, जिसकी स्टडी तो मैं अभी खुद कर रहा हूँ यार। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बताऊंगा नहीं, चिंता मत करो, मैं खुद पढ़ूंगा भी और पढ़ाऊंगा भी, दोनों चीजें होंगी। और वो टॉपिक क्या है उसका आप आज अंदाजा लगाइए। अच्छा, मैं आपको क्लू देता हूँ। वो क्लू है कि फुल मून, यानी कि पूर्णिमा की रात। हाँ, पूर्णिमा की रात, वही जो मैथमेटिकल क्रिएचर यानी कि वेयरवुल्फ, याद आया, मैं उसी वेयरवुल्फ के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। और वही वेयरवुल्फ की रिसर्च करने के बाद मुझे 1/5 ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग एंड स्पूकी फैक्ट्स पता चले हैं। हॉलीवुड की मूवीज ने दोस्तों हमारे दिमाग पे वो छाप छोड़ी है कि जो वो लोग दिखाते हैं वो रियल लाइफ में हो सकता है, बल्कि हो सकता है, लेकिन हर चीज नहीं हो सकती। लाइक फिक्शन मूवीज, हैरी पॉटर की एक पूरी जो सीरीज थी जेके रॉलिंग की, तो वो रियल लाइफ में नहीं हो सकती, इट इज ओनली फॉर फन एंड फिक्शन। हॉरर मूवीज, अब मैं उस पे मैं किसी भी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं दोनों चीजें मानता हूँ, होते हैं और नहीं होते हैं, भूत होते हैं या नहीं होते, मैं दोनों पे करता हूँ, कभी मुझे फील होता है और कभी मुझे नहीं होता। तो वेयरवुल्फ, इसका नाम, इसको हिंदी हम क्या बोलते हैं, हाँ, मानव भेड़िया। लेकिन इसका नाम मानव भेड़िया है तो इसको तो मैन वुल्फ होना चाहिए था। अब आपको तो ये बात पता ही होगी कि इंग्लिश लैटिन से आई है, यानी कि जो लैटिन है उसमें वर्ड्स थोड़े से अलग होते हैं, तो यही जो इंग्लिश का जो वर्ड मैन है वो लैटिन में वियर होता है, इसलिए वहां से वियर प्रोनाउंसिएशन है उसका, वियर वुल्फ, इसलिए उसका नाम वियर वुल्फ पड़ा। तो चलो यार शुरू करते हैं। गाइस, वियर वुल्फ तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। हमने हॉलीवुड कार्टून्स में उसके बहुत सी फिल्म्स देखी हैं, हमने उसमें देखा है कि वेयरवुल्फ कैसे होते हैं और वो कितने खतरनाक और स्पूकी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो मून, द फुल मून होता है तो कैसे कन्वर्ट होते हैं? तो जो मैथोलॉजिकल क्रिएचर की जो हिस्ट्री है मैथोलॉजी के हिसाब से, वो बोलते हैं कि कुछ लोगों के अंदर एक हार्मोन होता है जो कि फुल मून की रात पे जागता है, अंदर का उनका जो एनिमल होता है, उनका जो अंदर का जानवर होता है वो बाहर निकल के आता है और वो एक वुल्फ बन जाता है। अब कुछ लोगों को अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये एक ड्रैकुला या एक मॉन्स्टर है, या मतलब क्या है ये? तो मैं बोलता हूँ कि आप इसको मॉन्स्टर ही समझिए, क्योंकि ये ह्यूमन से ताकतवर होते हैं। और ड्रैकुला यानी कि ड्रैकुला आपको तो पता होगा ही, ड्रैकुला क्या होता है, इनसे कमजोर होते हैं। अब देखो, एक बार मैंने ये, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी गूगल पे मैंने तब इसकी थ्योरी में पढ़ रहा था कि असली में ये चीज है क्या। तो एक इंसान ने ये सवाल किया कि कैन आई बिकम अ वेयरवुल्फ, तो मतलब गूगल ने उसको क्या बोला, नहीं, वेयरवुल्फ एग्जिस्ट ही नहीं करते। सीरियसली अगर आप जाओ वेयरवुल्फ सर्च करोगे तो नीचे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं आप उन पे क्लिक करते जाओ, नीचे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि कैन आई बिकम अ वेयरवुल्फ, तो वो उधर बोलेगा नो। ये सिंपल सी बात है, एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर नहीं हुए हैं, ये फिक्शन है। लेकिन बीबीसी, हाँ, बीबीसी न्यूज़ ने एक बार अपने एक पेज पे ये अपलोड किया कि वेयरवुल्फ इज कॉट एंड ही हैज बीन मर्डर्ड, यानी कि वेयरवुल्फ को पकड़ा गया है और उसको मार दिया गया है। अब असली कहानी आप उस आर्टिकल में जानेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इतना खोलने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ इधर।
एक फार्मर था, उसको अपने फार्मिंग एरिया में कुछ वुल्फ जैसा दिखा, लेकिन उसने तब अपनी गोली चलाई, तब उसने देखा है ये तो एक इंसान है, लेकिन वो एक वुल्फ था। तो बीबीसी ने इसका एक पेज अपलोड किया था अपने साइट पे, वहां से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, आपको मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन क्या आपको पता है वेयरवुल्फ नाम की एक बीमारी भी होती है, वेयरवुल्फ सिंड्रोम। हाँ, वेयरवुल्फ सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसके तहत आपके पूरे चेहरे पे बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक भेड़िए की तरह दिखते हैं। हाइपरट्रिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके चेहरे पे बड़े बड़े बाल उगा सकती है। ये साइंटिफिक नेम है वुल्फ सिंड्रोम का, यानी कि वुल्फ फेस सिंड्रोम का ये एक साइंटिफिक नेम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो वेयरवुल्फ नहीं है तो उसको वो बीमारी ना हो, हो सकता है कि उसको वो बीमारी हो, लेकिन आप उसको वेयरवुल्फ समझ रहे हो और आप उससे डर के भाग रहे हो, क्योंकि ये केस हमारे इंडिया में भी है और आउट ऑफ इंडियाज में भी है। तो कैसा लग रहा है? अगर आपको अभी तक ये पसंद आया हो तो मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन एंड हैव आल्सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपके साथ ये है कि वुल्फ बियर की एक कमजोरी क्या होती है। हाँ, जैसे कि हर एक चीज की कमजोरी जरूर होती है, हमारे खुद के बॉडी में एक कमजोरी होती है, यानी कि एक माइनस पॉइंट। तो वुल्फ वेयर का एक माइनस पॉइंट क्या है? तो उसका माइनस पॉइंट है सिल्वर। अगर आप वुल्फ वेयर को किसी सिल्वर के चाकू से मारते हो या आप उसे सिल्वर की किसी गोली से मारते हो तो वो डेफिनेटली मर सकता है। वैसे ये सब कुछ होता नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। ध्यान दो यार, मजाक नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि वेयरवुल्फ क्या सच्ची में कितने साल रह सकते हैं बिना खाने और पीने के? जी हाँ दोस्तों, एक वेयरवुल्फ अमर होता है, वो नहीं मर सकता, तो तब उसको आप ना मारें। जी हाँ, जो वेयरवुल्फ होता है वो बिना खाए बिना पिए 2,500 साल के ऊपर भी रह सकता है। तो गाइस, मैं इधर था कि क्या वेयरवुल्फ बिना खाए पिए जी सकते हैं? हाँ दोस्तों, वो जी सकते हैं और वो भी 2,500 साल तक। अब दोस्तों मैं आपको वेयरवुल्फ का एक बहुत ज्यादा स्पूकी फैक्ट बताता हूँ। अगर गलती से भी आपके सामने वेयरवुल्फ आ जाए ना तो भाग जाना, क्योंकि वेयरवुल्फ को इंसानों का मीट बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये बहुत ज्यादा स्पूकी फैक्ट है। क्यों? मैंने बोला था कि वीडियो में बहुत सारे स्पूकी फैक्ट्स होंगे, तो डरो मत, वैसे होता तो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कभी दिखे ना तो 9, 2, 11 हो जाइए, क्योंकि उनको मीट बहुत पसंद है, वो भी स्पेशली इंसानों का, मतलब नीम ऊपर से नहीं, क्या था, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उनको मीट तो पसंद होता ही है, उसमें भी इंसानों की मीट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आ गए आप लोग, मैं हूँ नभ्य और आज आप देखने वाले हैं दुनिया का सबसे रहस्यमय टॉपिक, जिसकी स्टडी तो मैं अभी खुद कर रहा हूँ यार। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बताऊंगा नहीं, चिंता मत करो, मैं खुद पढ़ूंगा भी और पढ़ाऊंगा भी, दोनों चीजें होंगी। और वो टॉपिक क्या है उसका आप आज अंदाजा लगाइए। अच्छा, मैं आपको एक क्लू देता हूं, वो क्लू है कि फुल मून, यानी कि पूर्णिमा की रात। हाँ, पूर्णिमा की रात, वही जो मैथमेटिकल क्रिएचर यानी कि वेयरवुल्फ, याद आया?
मैं उसी वेयरवुल्फ के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, और वही वेयरवुल्फ की रिसर्च करने के बाद मुझे 1/5 ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग एंड स्पूकी फैक्ट्स पता चले हैं। हॉलीवुड की मूवीज ने दोस्तों हमारे दिमाग पे वो छाप छोड़ी है कि जो वो लोग दिखाते हैं वो रियल लाइफ में हो सकता है, बल्कि हो सकता है लेकिन हर चीज नहीं हो सकती। लाइक फिक्शन मूवीज, हैरी पॉटर की एक पूरी जो सीरीज थी जेके रॉलिंग की, तो वो रियल लाइफ में नहीं हो सकती, इट इज ओनली फॉर फन एंड फिक्शन। हॉरर मूवीज, अब मैं उस पे मैं किसी भी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं दोनों चीजें मानता हूँ, होते हैं और नहीं होते हैं, भूत होते हैं या नहीं होते, मैं दोनों पे करता हूँ, कभी मुझे फील होता है और कभी मुझे नहीं होता। तो वेयरवुल्फ, इसका नाम, इसको हिंदी हम क्या बोलते हैं, हाँ मानव भेड़िया, लेकिन इसका नाम मानव भेड़िया है तो इसको तो मैन वुल्फ होना चाहिए था। अब आपको तो ये बात पता ही होगी कि इंग्लिश लैटिन से आई है, यानी कि जो लैटिन है उसमें वर्ड्स थोड़े से अलग होते हैं, तो यही जो इंग्लिश का जो वर्ड मैन है वो लैटिन में वियर होता है, इसलिए वहां से वियर प्रोनाउंसिएशन है उसका, वियर वुल्फ, इसलिए उसका नाम वियर वुल्फ पड़ा। तो चलो यार शुरू करते हैं। गाइस, वियर वुल्फ तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। हमने हॉलीवुड कार्टून्स में उसके बहुत सी फिल्म्स देखी हैं, हमने उसमें देखा है कि वियर वुल्फ कैसे होते हैं और वो कितने खतरनाक और स्पूकी होते हैं। तो दोस्तों मस्ती मजाक तो अपने पे है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुदाई में वियर वुल्फ का एक स्केलेटन मिला हो? स्केलेटन नहीं, उसकी एक खोपड़ी मिली थी, उसका स्कल मिला है अफगानिस्तान में, जिधर कुछ वर्कर्स ने डिगिंग के दौरान एक वियर वुल्फ जैसी चीज को देखा। मतलब उसके दांत इतने लंबे हैं और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, और जो नाक है वो एकदम राउंड है। तो क्या एक वेयरवुल्फ जमीन के अंदर दफनाया जाएगा, पूरी बक्से के अंदर? आई थिंक इट्स नॉट रियल, मतलब ये फेक नहीं हो सकता, ये रियल ही है, क्योंकि यहाँ एक बक्से के अंदर, अगर ये कहानी ट्रू है, वरना कोई भी एक ऐसा कंकाल बना के बक्से के अंदर रख के हमारे पोपट बनाए, लेकिन अगर भगवान ही जानता है, वो लोग ही जानते हैं, अगर ये कहानी दोस्तों ट्रू है तो फिर आपको फिर वेयरवुल्फ पे यकीन करना ही होगा, और मैं भी करूँगा ही, क्योंकि यार मतलब कैसे एक वेयरवुल्फ एक आदमी का सर काट के कोई अगर बक्से के अंदर हजारों साल तक रख दे और फिर खुदाई में वो बक्सा मिले उसके अंदर ये देखा जाए, तो आपको क्या दिखेगा, मतलब आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों अब मैं लास्ट टॉपिक, वीडियो में ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं जो लास्ट टॉपिक है, एक सेकंड, मेरा जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है क्या वेयरवुल्फ चांद की रात में क्यों बदलता है। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, मेरा मानना ये है कि ग्रीक, यानी कि जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसके हिसाब से, जैसा मैंने आपको कहा था जो मून है तब वो अर्थ के पास आता है, तो वो ऐसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स उगाता है, यानी कि जगा देता है, हार्मोन्स तो हमारे अंदर रहते हैं लेकिन माइंडेड वो उनको जगाता है, वो उनको उगाता नहीं है, जगाता है उन हार्मोन्स को, जिनकी वजह से हम एक वेयरवुल्फ बनते हैं, और वेयरवुल्फ बनने के बाद हमारी को ना इंसानी भाषा समझ आती है, ना हमें कुछ और समझ आता है, हमें सिर्फ या तो खाने को चाहिए होता है या तो हम सिर्फ ये करते रहते हैं। मैं मानव भेड़िया नहीं हूँ, चिंता मत करो। और दूसरी बात मैं आपको ये और बता दूं कि तब मून हमारे अर्थ के पास आता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स आती हैं, और तभी पूर्णिमा की रात को
मोस्ट ऑफ द पीपल जाने को समुद्र में प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उस दिन हाई टाइड्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि तब मून अर्थ के पास आता है, तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है जिसकी वजह से चीज़ें खिंचती हैं, तो पानी भी उसी हिसाब से खिंचता है, इसलिए इसके लिए आता है हाई टाइड। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको मजा आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक ना मारा हो तो यार मारो, मेरे 200 सब्सक्राइबर्स भरवाओ यार, 200 तो करवा दो, पार्टी रखेंगे 200 लाख पे। लेकिन तो चलिए बाद में मिलते हैं एक अगले स्पूकी, हाँ अगला टॉपिक भी मैं स्पूकी ही होगा, और इसकी गारंटी आप मुझसे ले लो, पक्का मैं एक स्पूकी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये पार्ट वन है, पार्ट टू है, और अब मेरा पार्ट थ्री भी आएगा बहुत जल्दी। बस आप सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यार। तब तक के लिए आउट गाइस।